Okay, friends, good evening and welcome for yet another session of this basic training, Pehla Kadam. मैं सुनील मान आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पिछले 6 वीक से जो आपको बेसिक ट्रेनिंग मिल रही है वो आपके लिए बड़ी फायदेमंद होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आप यहां से काफी कुछ सीखेंगे और ये ट्रेनिंग जो आपको दी जा रही है इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप अपना अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर पाएंगे, एक शानदार टीम बना पाएंगे और आप अपने और अपने परिवार के सारे सपने इस ट्रेनिंग के माध्यम से और सेफ शॉप के प्लेटफॉर्म से अपने सारे सपनों को आप साकार कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था आपसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग स्किल्स। जब हम अपना बिजनेस किसी को प्रेजेंट करते हैं, जब सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में हम उनको एक्सप्लेन कर चुके होते हैं, उसके बाद में हम क्लोजिंग के लिए बैठते हैं। जब हम डील फाइनल करने के लिए बैठते हैं तो उसको क्लोजिंग कहते हैं। उस वक्त हमारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, हमारे जो गेस्ट होते हैं, जो हमारे साथ इस बिजनेस में आना चाहते हैं या जिनको हम अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, उनके बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं, बड़ी सारी क्वेरीज होती हैं, बड़े सारे उनके हिडन जो फियर होते हैं वो सामने आते हैं, उनके कुछ एप्रिहेंशंस होते हैं, कुछ आकांक्षाएं होती हैं, तो वो सब हमारे साथ डिस्कस करते हैं और उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और जब सारे ऑब्जेक्शन हम हैंडल कर लेते हैं और क्लोज कर लेते हैं तो हमारी सेल आ जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि सेल ऑन द स्पॉट आ जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि सेल ऑन द स्पॉट नहीं आ पाती है, वो थोड़ा सा वक्त चाहता है या किसी का परिवार में किसी के सलाह मशवरा चाहता है या वो कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहता है बिजनेस के बारे में, तो ऐसे में हमें अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप करना पड़ता है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फॉलोअप। फॉलोअप क्यों जरूरी है, फॉलोअप कब करना चाहिए, फॉलोअप कैसे करना चाहिए, उसमें किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। सो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फॉलोअप जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और मैं कुछ 15 पॉइंट्स आपको दूंगा फॉलोअप को लेकर। सो पहला पॉइंट जो है वो ये कि फॉलोअप जो है मैंडेटरी है, फॉलोअप च्वाइस नहीं है, उसके लिए फॉलोअप के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, फॉलोअप तो करना ही करना है। अगर आप कभी बीमार पड़ जाए, भगवान ना करे, तो डॉक्टर भी आपको फॉलोअप के लिए बुलाता है कि आप ये दवाइयां खाइए, ये टेस्ट कराइए, ये सब करने के बाद में आप 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद या 1 वीक के बाद डॉक्टर भी आपको दोबारा चेकअप करना चाहता है, उनका असर देखना चाहता है और अगर कुछ चेंजेस करना होता है तो चेंजेस करने के लिए आपको एडवाइस करता है। तो फॉलोअप हर जगह होता है, हर सेल में फॉलोअप होता है, इवन जो हम रिश्ते भी करते हैं वहां पर भी फॉलोअप होता है। जब हम अपनी बहन का या अपनी बेटी का रिश्ता किसी के पास लेकर जाते हैं और उसके बाद जब वहां पर डिस्कशन होता है, सारी चर्चा होती है, उसके बाद फॉलोअप करना होता है कि उनका डिसीजन क्या रहा, उनने क्या सोचा, उनने कुछ और जानकारी लेनी है तो हम दे देंगे। तो फॉलोअप जो है वो मैंडेटरी है, कोई भी डील करने के लिए फॉलोअप मैंडेटरी है, फॉलोअप कोई च्वाइस नहीं है। और ज्यादातर हमारे एसोसिएट्स, स्पेशली फ्रेशर्स जो इस बिजनेस में नए हैं, जिनके पास अनुभव की कमी है, ज्यादातर हमारे फ्रेशर्स अपना 90% बिजनेस फॉलोअप नहीं करने की वजह से या गलत तरीके से फॉलोअप करने की वजह से खराब कर लेते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको कि फॉलोअप मैंडेटरी है, फॉलोअप कंपल्सरी है, फॉलोअप जरूर करना है। फॉलोअप नहीं करेंगे या फॉलोअप ठीक से नहीं करेंगे तो हमारा 90% बिजनेस खराब हो जाएगा, 90% हमारे एफर्ट्स बेकार चले जाएंगे, 90% जो हमने मेहनत की है वो हमारी खराब हो जाएगी। देखिए, जब फॉलोअप की स्टेज तक हम जब पहुंचते हैं उससे पहले हमें क्या करते हैं, हम अपने लिस्ट बनाते हैं प्रोस्पेक्ट्स की, जिनको भी हम जानते हैं पहचानते हैं उनकी लिस्ट तैयार करते हैं। लिस्ट तैयार करने के बाद उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हॉट, वार्म, कोल्ड। फिर हम सबसे पहले हॉट मार्केट में अप्रोच करते हैं, फिर वार्म मार्केट में, फिर कोल्ड मार्केट में। उसके बाद हम उनसे उनको अप्रोच करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद, प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद हम उनको अपना बिजनेस प्रपोज करते हैं और जब हम उनको अपना बिजनेस प्रपोज करते हैं उसके बाद हम क्लोजिंग करते हैं, उसके ऑब्जेक्शंस को आंसर करते हैं और जो लास्ट स्टेप है फॉलोअप, जिससे सेल आने वाली, जिससे पेमेंट आने वाली है, ये सारा सब कुछ हमने कर लिया लेकिन फॉलोअप नहीं किया। तो 90% तो हम काम कर चुके हैं ऑलरेडी, उस गेस्ट की जॉइनिंग में जो प्रोसेस में जो काम है 90% तो हम कर चुके हैं, लेकिन अगर हमने लास्ट में फॉलोअप नहीं किया या ठीक तरीके से नहीं किया फॉलोअप, तो जो 90% एफर्ट अब तक हमने किए हैं प्लान शो करने से लेकर प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशन और सब कुछ करने का जो हमने एफर्ट लगाया है, वो सारा का सारा एफर्ट हमारा बेकार चला जाएगा अगर हमने ठीक से फॉलोअप नहीं किया। इसलिए मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि फॉलोअप जो है वो मैंडेटरी है, फॉलोअप करना ही करना है, फॉलोअप नहीं किया तो 90% आपका बिजनेस खराब हो जाएगा।
और फॉलो अप नहीं किया तो आपके 90% एफर्ट भी खराब हो जाएंगे। दूसरी चीज कि फॉलो अप कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, सिर्फ अपलाइन ने बोला था, सीनियर ने बोला था कि फॉलो अप करना है तो फॉर्मेलिटी के लिए एक बार उसको टोक लेते हैं, एक बार उससे पूछ लेते हैं, एक बार उससे हाय हेलो कर लेते हैं, देख लेते हैं उसका मन है कि नहीं है। ये ऐसा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। फॉलो अप जो है वो बहुत ही सीरियस बिजनेस है, फॉलो अप जो है बहुत ही सीरियस प्रोसेस है। फॉलो अप के बिना सेल नहीं आती है। फॉलो अप आप व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते कि चलो उसने प्लान देख लिया है, अब व्हाट्सएप करके पूछ लेता हूं कि कब मिलोगे, कब ज्वाइन करोगे, ऐसा व्हाट्सएप कर देते हैं ज्यादातर लोग। तो फॉलो अप ध्यान रखिए व्हाट्सएप पे नहीं होता, फॉलो अप फोन पे भी नहीं होता। हमारे ज्यादातर फ्रेशर्स और आजकल तो सीनियर्स भी ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से फिजिकल मीटिंग्स नहीं हो रही थी कोरोना की वजह से, तो हमारे सीनियर्स को भी कुछ गलत आदतें पड़ गई हैं। घर से नहीं निकलते हैं और या तो व्हाट्सएप कर देते हैं गेस्ट को जिसको प्लान दिखा चुके हैं, या फिर उसको फोन करके पूछते हैं कि मैं आपसे कब मिलने आऊं, आप कब ज्वाइन कर रहे हैं, आपने क्या सोचा। ये सब तरीका नहीं है फॉलोअप करने का। फॉलोअप कोई कैजुअल मीटिंग नहीं है, फॉलोअप बहुत ही सीरियस मीटिंग है। ये व्हाट्सएप पे नहीं हो सकती, प्लीज नोट कर लीजिए, ये फोन करके नहीं हो सकती, ये चलते फिरते रोड पे नहीं हो सकती, रास्ते में कहीं पे मिल गया, चौराहे पे मिल गया, चलते चलते नजर आ गया, आप भी रुके, वो भी रुका और रोड पे खड़े होकर बात कर ली। रोड पे खड़े होकर फॉलोअप नहीं होता है। और कैजुअली अगर आपने प्रोस्पेक्ट से पूछ लिया कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, वो भी फॉलोअप नहीं है। व्हाट्सएप पे नहीं हो सकता, कभी भी फॉलोअप के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल मत कीजिए, कभी भी फोन का भी इस्तेमाल मत कीजिए, और कभी चलते फिरते रोड पे भी गेस्ट से मुलाकात करके फॉलोअप करने लेते हैं, बहुत सारे लोग बाहर खड़े होकर फॉलोअप कर लेते हैं लोग, तो वो तरीका फॉलोअप का बिल्कुल गलत है। उससे आपके एफर्ट्स जो है, आपके जो मेहनत है वो सारी खराब हो जाती है। इसलिए फॉलोअप को सीरियसली कीजिए। फॉलोअप जो है प्रेजेंटेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉलोअप जो प्रक्रिया है, फॉलोअप जो प्रोसेस है, वो आपका प्लान प्रेजेंटेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से किया लेकिन फॉलोअप अच्छी तरह से नहीं किया तो सेल नहीं आएगी, एफर्ट बेकार चला जाएंगे। आपने प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छी तरह से की, प्लान प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी तरह किया, लेकिन फॉलोअप किया नहीं, या समय पर नहीं किया, या गलत जगह पर किया, या गलत तरीके से किया, तो आपके एफर्ट जो है वो खराब हो जाएंगे। इसलिए फॉलोअप को ज्यादा वैल्यू दीजिए, फॉलोअप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉलोअप एक बहुत ही सीरियस मीटिंग है जिसमें आपको आपकी सारी मेहनत, जो अब तक आपने मेहनत की है उस प्रोस्पेक्ट के ऊपर, आपने लिस्ट में नाम लिखा, उसको कैटेगराइज किया, उसको अप्रोच किया, कॉल किया, उसकी प्रोस्पेक्टिंग की, उससे मुलाकात की, उससे अपॉइंटमेंट लिया, उसको प्लान दिखाया, उसके सारे ऑब्जेक्शंस को आंसर किया, क्लोजिंग करने की कोशिश की, सब कुछ जो अब तक आपने किया है उसका फल कब मिलेगा? फॉलोअप में मिलेगा। अगर आपने फॉलोअप नहीं किया तो जो आपको फल मिलने वाला था वो फल तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने जो लास्ट काम था, जहां पे आपको पेमेंट मिलने वाली थी, जहां पे आपकी डील डन होने वाली थी, जहां पर आपकी सेल आपके हाथ में आने वाली थी, जहां पर वो हमारे साथ ज्वाइन करने वाला था, वो जो लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो अगर आपने नहीं किया। मैं देखिए, आप जानते हैं मैं एक एथलीट था, मैं एक स्पोर्ट्समैन था, मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर था, मैंने मैराथन की है। अगर मैंने मैराथन, आप जानते हैं 42 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेस होती है, अगर मैं 42 किलोमीटर तक तेज भागता रहा, तेज दौड़ता रहा, सबके आगे लीड करता रहा, और आखिर का जो 197 मीटर है या आखिर के जो कुछ स्टेप्स है वो अगर मैंने नहीं पूरे किए तो क्या मुझे मेडल मिलेगा? जब तक मैं रेस कंप्लीट नहीं करता हूं, चाहे वो रेस 100 मीटर की हो, या वो 200 मीटर की हो, या 10 किलोमीटर की हो, या वो क्रॉस कंट्री हो, या वो मैराथन हो, रेस जितनी मर्जी लंबी हो, अगर मैं फिनिशिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचता हूं, अगर मैं फिनिशिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचता हूं, भले ही मैं पूरी रेस में सबसे आगे रहा हूं, लेकिन अगर मैंने फिनिशिंग पॉइंट को टच नहीं किया तो मुझे मेडल नहीं मिलेगा। अगर मैं दूसरे नंबर पर भी हूं लेकिन मैं फिनिशिंग पॉइंट से पहले रुक जाता हूं तो मुझे सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। तीसरे नंबर पर भी हूं लेकिन मैं फिनिशिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचा तो मुझे ब्रॉन्ज मेडल नहीं मिलेगा। तो फॉलोअप जो है वो फिनिशिंग पॉइंट है। तो जो आपने स्टार्ट किया है वो खत्म कहां पर होगा? फॉलोअप पे होगा। तो फॉलोअप जो है वो लास्ट स्टेप है, यहीं पर आपको रिवार्ड मिलने वाला है, यहीं पर आपके लिए कामयाबी की रास्ते है। सो फॉलोअप को उतनी ही इंपोर्टेंस दीजिए। तीसरी चीज, फॉलोअप जो है, मैंने बताया आपको 15 पॉइंट में डिस्कस करूंगा, मैं तीसरा पॉइंट बता रहा हूं कि फॉलोअप का जो है टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट टाइमिंग जो है वो बिजनेस में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी बिजनेस में टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। आज से कुछ सालों पहले वीसीआर पार्लर हुआ करते थे, जहां पे आप किराए पे वीसीआर लाते थे, टीवी किराए पे लाते थे और पूरी रात बैठ के दो मूवी तीन मूवी देखा करते थे। आज अगर वो बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे तो क्या कामयाब होंगे? ऑब्वियसली नहीं होंगे। कुछ साल पहले पीसीओ का बिजनेस हुआ करता था,
हर जगह पब्लिक कॉल करने के लिए आपके लिए बूथ बने होते थे, उससे लोग पैसा कमाते थे, गुजारा करते थे, लेकिन आज के दिन तो पीसीओ का कोई यूज ही नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदल जाती है, वक्त बदल जाता है। तो अगर आपने बिजनेस ऐसा किया, गलत वक्त पर अगर आपने बिजनेस में एंट्री ली तो आप कामयाब नहीं होंगे। उसी तरह से फॉलोअप अगर आपने गलत समय पर किया तो भी आप कामयाब नहीं होंगे, आपके एफर्ट जो है बेकार चले जाएंगे। तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेस्ट टाइम फॉलोअप का क्या है वो समझ लीजिए, जब आपने प्लान दिखा दिया, जब आपने क्लोजिंग कर दी, जब आपने वहीं पर अपने अपलायंस से मिलवा दिया, उसके ऑब्जेक्शन हैंडल कर दिया, उसी वक्त फॉलोअप करके आपने सेल लेनी है। उस वक्त वो बोलता है मेरा कार्ड घर पे रह गया, या मैं घर पे जाके वाइफ से पूछ के बात करूं के आपको बता दूंगा। तो आपने प्लान दिखा दिया, आपने क्लोजिंग कर ली, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर दी, वो रेडी भी है, ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन पेमेंट नहीं ले रहे आप उससे। वो कहता है मेरा कार घर पे छूट गया है, या मैं नेट बैंकिंग का पासवर्ड भूल गया हूं, या मुझे एक बार अपनी वाइफ से पूछना होगा कि उसको क्या खरीदना है। तो ऐसे में हम कहते हैं ठीक है कल मिल लेंगे। ऐसे में कई बार लीडर भी गलती करते हैं कि कोई बात नहीं करना तो है ही ना, कल कर लेंगे, कल शाम को मिलते हैं, परसों शाम को मिलते हैं, संडे को मिलते हैं, 1 तारीख को मिलते हैं, तनख्वाह पे मिलते हैं, और हम खुद ही उसको टाइम दे देते हैं, हम खुद ही उसको पोस्टपोन करने का मौका देते हैं, इसको क्लोजिंग थोड़ी कहेंगे। बेस्ट टाइम जो है अगर उसी टाइम पे जहां पे आपने उसको प्लान दिखाया है, जब आप उसको बिजनेस प्रेजेंटेशन किया है, उसी वक्त अगर आप उससे पैसे ले लेंगे, सेल ले लेंगे, कंफर्म कर देंगे, ऑर्डर कर देंगे, पेमेंट करा देंगे, वही बेस्ट टाइम है। अगर उसके बावजूद भी उसका कार्ड भूल गया है या कुछ और दिक्कत है जिसकी वजह से तुरंत नहीं कर पा रहा है, तो अच्छा मौका है कि आप उसके साथ उससे घर चले जाइए। अगर किसी और न्यूट्रल वेन्यू पे आपने प्लान दिखाया है तो आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ उस प्रोस्पेक्ट के घर पे उसी वक्त चले जाइए, या आपका घर आसपास में है। उसको कई बार ऐसा होगा कि वो भूख लगी होगी, प्रेजेंटेशन में आया था, आने जाने में टाइम लग गया उसको, उसको भूख लग गई है और आसपास में नहीं है, तो कहिए चलिए मेरे घर चलते हैं, मेरे घर बैठ के खाना भी खा लेंगे और बाकी की फॉर्मेलिटी भी कर लेंगे। ये आपको अपने घर चलना तो चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं पे बैठ के चाय पियेंगे और ज्वाइनिंग की जो फॉर्मेलिटी है इसको पूरा कर लेंगे। तो तुरंत बाद, प्रेजेंटेशन के तुरंत बाद, क्लोजिंग के तुरंत बाद कोशिश कीजिए कि वेन्यू पे उसी वक्त आपको पेमेंट मिल जाए, सेल मिल जाए, पैसे मिल जाए, ऑर्डर हो जाए और पेमेंट हो जाए, और अगर वैसा संभव नहीं है तो तुरंत उसके साथ में जाके करा दीजिए। सो ऑन द स्पॉट क्लोजिंग या प्रेजेंटेशन के क्लोजिंग के तुरंत बाद फॉलोअप करना वो सबसे अच्छा टाइम है। लेकिन अगर उस वक्त ना हो पाए किसी भी वजह से, तो जो नेक्स्ट मीटिंग जो है जिसको हम फर्स्ट फॉलोअप कहते हैं, वो 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। कोशिश कीजिए कि सेल ऑन द स्पॉट आ जाए, ऑन द स्पॉट ना आए तो उसके साथ में उसके घर चले जाइए, या जहां से भी वो पेमेंट निकाल के देने वाला है उसके साथ चले जाइए और उसी वक्त ले लीजिए, तुरंत फॉलोअप कर लीजिए। मीटिंग के, प्लान के, प्रेजेंटेशन के बाद तुरंत फॉलोअप करके सेल निकाल लीजिए। लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो पाए तो जो नेक्स्ट मीटिंग है वो 2 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए। किसी भी ऐसे गेस्ट को प्लान मत दिखाइए जिससे आप अगले 2 दिनों में मिल नहीं सकते, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप 2 दिन के अंदर उससे दोबारा नहीं मुलाकात कर पाएंगे, बड़े सारे लीडर हमें एक्सक्यूज देते हैं, माना बनाते हैं, सर मुझे घर ही नहीं पता, मुझे पता ही नहीं वो रहता कहां पर है, मैं कभी उसका घर देखा ही नहीं, मैं कभी उसके घर गया ही नहीं। तो एक्चुअल में आपने प्रोस्पेक्टिंग ठीक से नहीं की, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग में जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था बार मेड, जिसमें आपको उसका एड्रेस पता करना है, वो कहां रहता है, उसके घर पे कौन कौन है, वो कब आता है, कब जाता है, किस दिन उसकी छुट्टी होती है, वो कितना कमाता है, वो कितना खर्च करता है, वो प्रोस्पेक्टिंग में जो चीजें बताई थी उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी कि वो रहता कहां पर है, उसका एड्रेस कहां है, वो आपको प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे लेना है। जानकारी ये पहले हासिल करनी है, प्रेजेंटेशन बाद में करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन के बाद में क्लोजिंग के टाइम, अगर प्रेजेंटेशन से पहले नहीं कर पाए तो क्लोजिंग के टाइम पे जरूर आपको उसका एड्रेस लेना है, जानकारी लेनी है, लोकेशन ले लेनी है, पता करना है कि कहां पर मिलेगा, कब मिलेगा। और ये अगली मीटिंग जो है, जो फॉलोअप है, ये 2 दिन के अंदर हो ही जाना चाहिए। अगर 2 दिन से ज्यादा लगाएंगे आप तो आप अपने प्रेजेंटेशन का जो इफेक्ट है, जो 90% आपने एफर्ट लगाए हैं, वो खराब होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्लोजिंग करने के 2 दिन के अंदर, प्लान दिखाने के 2 दिन के अंदर फॉलोअप करके आपको सेल निकालना है। अगर इससे ज्यादा टाइम आपने दिया तो आपके सेल खराब होने के चांस बहुत ही ज्यादा बनते हैं। जब भी आप क्लोजिंग कर रहे हैं, जब भी आप उसकी क्लोजिंग कर रहे हैं, चाहे उस जगह पर जहां पे आपने प्लान दिखाया था उसी टाइम पे आप क्लोजिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे आप सेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या घर जाके कर रहे हैं और बाई चांस पेमेंट नहीं आती है, ऑर्डर नहीं होता, पेमेंट नहीं हो पाती है, कुछ भी कारण रहा हो, तो अगली मीटिंग का कमिटमेंट आपने जरूर लेना है।
आपको ध्यान रखना है इस बात का, मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, कि फॉलोअप का मतलब है कि आपको या तो पेमेंट मिल जाए या अगली मीटिंग का अपॉइंटमेंट मिल जाए, कमिटमेंट मिल जाए। फॉलोअप में या तो आपको पेमेंट मिल जाए, सेल कंफर्म हो जाए, पेमेंट आ जाए, ऑर्डर हो जाए, पेमेंट हो जाए कंप्लीट साइट के ऊपर, और अगर वो ना हो तो अगला अपॉइंटमेंट जरूर मिल जाए। कोई भी मीटिंग अपने अगले अपॉइंटमेंट के बिना खत्म नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी मीटिंग हो। आप कैसी भी मीटिंग करें, आप अपने एसोसिएट से मीटिंग करें या अपने गेस्ट के साथ मीटिंग करें, कोई भी मीटिंग आप करें, कोई भी मीटिंग बिना नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के खत्म नहीं होनी चाहिए। मीटिंग बंद ही तब होनी चाहिए जब आपका अपना नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाए। फोन पे बता देंगे ऐसा मत कीजिए, मैं आपको मैसेज करके बता दूंगा मैं कब अवेलेबल हूं, ऐसा मत कीजिए, उसी वक्त अपॉइंटमेंट लीजिए। क्योंकि अगर आपने बोल दिया कि फोन पे बता देंगे तो उस वक्त हो सकता है वो आपका फोन ना उठाए, हो सकता है तब तक उसने कुछ लोगों से बात कर ली हो सकता है उसने कुछ लोगों को ज्वाइन कराने की कोशिश कर ली हो ज्वाइन किए बिना, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसी गलती करते हैं, वो खुद ज्वाइन नहीं करते, सोचते हैं पहले मैं देख लेता हूं, दो चार लोग अगर रेडी हो जाते हैं तो मैं कर लूंगा। ऐसी गलती बहुत सारे लोग करते हैं, और क्योंकि उनको आता नहीं है बिजनेस करना, उनको प्लान दिखाना नहीं आता, उनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना नहीं आता, उनको क्लोजिंग करना नहीं आता, उनको इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता, उनको इस बिजनेस के बारे में नहीं पता, इस कंपनी के बारे में नहीं पता, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो सेल नहीं कर पाते हैं। और ऐसे में फिर वो हमसे आंखें चुराते हैं, वो हमसे दूर भागते हैं, वो हमसे मिलना नहीं चाहते, वो हमारा फोन आंसर नहीं करते, हमारे व्हाट्सएप का जवाब नहीं देते। इसलिए कोई भी मीटिंग बिना नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के या पेमेंट के, या तो पेमेंट आए या नेक्स्ट कमिटमेंट मिल जाए आपको कि दोबारा कब मिलना है, कहां पर मिलना है, किस जगह पर मिलना है, किस वक्त मिलना है, वो अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाना चाहिए। उसके बिना फॉलोअप कंप्लीट नहीं हुआ। फॉलोअप करने का जो सबसे अच्छा वक्त होता है वो होता है शाम का समय। अगर आप सुबह सुबह गेस्ट के पास जाएंगे उस वक्त हो सकता है वो तैयार हो रहा हो सकता है उसने अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के आना हो सकता है उसने अपनी वाइफ को ड्रॉप करके आना हो या उसे खुद को ऑफिस जाना हो, उस वक्त तो जल्दी में होता है, उस वक्त तो आपकी बात को ठीक से सुन नहीं पाएगा, आपकी बात को वैल्यू नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो जल्दी अजीब में होता है, उसका दिमाग कहीं और होता है, वो सोच रहा होता है कि मैं लेट ना हो जाऊं। तो सुबह की बजाय अगर हम शाम को जाएंगे जब उसकी डे वर्किंग खत्म हो जाती है, कुछ लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो उनके लिए तो अर्ली मॉर्निंग चाहिए, जैसे वो नाइट शिफ्ट खत्म करके आते हैं, जब उनकी वर्किंग खत्म हो गई है अर्ली मॉर्निंग जब वो अपने घर जाते हैं तब आपको फॉलोअप करना है। जो डे शिफ्ट में काम करते हैं उनकी शिफ्ट खत्म होने के बाद में आपको इवनिंग में जाके फॉलोअप करना है, यानी कि डे वर्किंग जो उसकी है उस दिन का जो काम है उसका, वो खत्म होने के बाद में जब वो अपने घर जाता है उस वक्त वो रिलैक्स मूड में होता है, उस वक्त जाके फॉलोअप करेंगे तो सेल आने के ज्यादा चांस होंगे। अर्ली मॉर्निंग जब वो कहीं जाने वाला है, भागदौड़ में है, जब उसका दिमाग कहीं और चल रहा है उस वक्त फॉलोअप करेंगे तो सेल आने के चांसेस कम हो जाएंगे, इसलिए प्रेफरेबली इवनिंग में। लेकिन अगर नाइट ड्यूटी वाला आदमी है तो जब वो नाइट ड्यूटी खत्म करके मॉर्निंग में अपने घर आए तो उस वक्त उसका फॉलोअप कीजिए। नेक्स्ट जो है प्लेस, फॉलोअप कहां पर करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। फॉलोअप मोस्ट लाइकली प्रेफरेबली कोशिश करके प्रोस्पेक्ट के घर पे होना चाहिए, फॉलोअप प्रोस्पेक्ट के घर पर होना चाहिए। मैंने बताया कि बहुत सारे लोग रोड पे फॉलोअप कर लेते हैं, चलते चलते कॉरिडोर्स में फॉलोअप कर लेते हैं, बस स्टैंड में बैठ के फॉलोअप कर लेते हैं, गार्डन में बैठ के फॉलोअप कर लेते हैं, कैफेटेरिया में बैठ के फॉलोअप करते हैं, ऑफिस में जाके गेट पे खड़े होकर आते हैं वहां पे फॉलोअप करके आ जाते हैं, वो फॉलोअप नहीं है, वो फ्लॉप है। उसको फॉलोअप मत कहिए, वो क्या है, वो फ्लॉप है। आप अपने मीटिंग को फ्लॉप कर रहे हैं, अपने बिजनेस को फ्लॉप कर रहे हैं। फॉलोअप होता है एक पीसफुल एनवायरनमेंट में, फॉलोअप होना चाहिए प्रोस्पेक्ट के घर पे, राइट? प्रोस्पेक्ट के घर पे जाएंगे तो वहां से संबंध बनते हैं। जब घर में आना जाना होता है, हम पानी पीते हैं उसके घर पे जाके, चाय पीते हैं, तो संबंध बनते हैं, रिलेशनशिप बनते हैं। रोड पर रिलेशनशिप नहीं बनते हैं, रिलेशन बनते हैं। एक लॉन्ग टर्म बिजनेस आप उनके साथ में करने वाले हैं, वो आपका बिजनेस पार्टनर बनने वाला है, आप दोनों मिलकर साथ में आगे बढ़ने वाले हैं, तो एक पार्टनर है। अगर आप पार्टनर के घर पे नहीं जाएंगे, उनसे मेल जोल नहीं रखेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, रिलेशन अच्छा नहीं बनाएंगे, तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। इसलिए फॉलोअप भी प्रोस्पेक्ट के घर पर जाकर होना चाहिए। उनके फैमिली में किसी से मिलेंगे, नमस्ते करेंगे, उसकी मम्मी पापा उनसे मिलेंगे, उनसे नमस्ते करेंगे, उनकी वाइफ को मिलेंगे नमस्ते करेंगे, या हस्बैंड से मिलेंगे नमस्ते करेंगे, थोड़ी जान पहचान हो जाएगी तो वो समझ जाएंगे कि एक अच्छा आदमी है, रीजनेबल आदमी है, रेस्पेक्टेबल आदमी है, इनके साथ में बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो घर पे जाके कीजिए प्रोस्पेक्ट के। लेकिन उसके घर पे अगर जाना संभव ना हो तो अपने घर पे बुला के फॉलोअप कीजिए, उसको अपने घर ले जाइए अपने साथ में। कई बार ऐसा होता है कि प्रोस्पेक्ट आपको अपने घर पे इनवाइट नहीं करता है,
आपको आपके घर में बुलाने में हेजिटेट करता है, तो आप टोक दीजिए, वो रोड पे खड़े होकर बात करना चाहता है कि ठीक बताइए क्या करना है, बताइए आप क्या पूछ रहे थे, आप क्या कर रहे थे, रोड पे खड़े होकर बात करना चाहता है। उस वक्त रोड पे खड़े होकर बात करने की टेम्पटेशन को रोकिए, उसको बोलिए कि क्या मैं आपके घर चल सकता हूं, क्या आपके घर में मुझे एक कप चाय मिल सकती है या एक ग्लास पानी मिल सकता है आपके घर पे, घर पे बैठ के बात करें। और अगर ऐसा संभव नहीं है, घर पे कोई है नहीं या दिक्कत है या बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, तो एक काम करते हैं मेरे घर चलते हैं। अगर आपके घर पे कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, मेरे घर चलते हैं, मेरे घर पे बैठ के पानी पीते हैं, चाय पीते हैं और फिर वहां पर डिस्कस करेंगे। रोड पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक बहुत ही सीरियस बिजनेस है। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, आपने उनको बोलना है क्योंकि ये बहुत ही सीरियस बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, ये करोड़ों का बिजनेस है, इसलिए ये बिजनेस की डील रोड पे नहीं हो सकती है। इसके लिए या तो आपके घर चलते हैं, वहां पे बैठ के चाय पे चर्चा कर लेंगे, और आपके घर पे कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, मेरे घर पे आइए, हम मेरे घर चलते हैं, वहां पर बैठ के बात कर लेंगे। तो प्रोस्पेक्ट के घर पे प्रेफरेबली, जिससे कि आपके फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे हो जाए, वो जान जाए कि आप एक अच्छे रेस्पेक्टेबल आदमी है, सभ्य इंसान है, सभ्य इंसान के साथ में लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर वो संभव ना हो और वो रोड पे ही बात करना चाहते हैं, तो उनको कहिए कि सर करोड़ों का बिजनेस है, बहुत बड़ा एक डील हम साइन करने जा रहे हैं, ये हमारे फ्यूचर का मामला है, आपके परिवार के फ्यूचर का मामला है, ये आपके सपनों का मामला है, इसको हम कैजुअली ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते रोड के ऊपर, हमें कहीं बैठकर बात करनी चाहिए, राइट? तो आपके घर चलते हैं, और आपके घर पे दिक्कत है तो मेरे घर चलते हैं, वहां पर बैठ के बात हो जाएगी। कोशिश कीजिए कि जब फॉलोअप किया जा रहा हो, आप प्रोस्पेक्ट के घर जा रहे हो, तो उनकी फैमिली भी थोड़ी सी इन्वॉल्व हो जाए, पूरा इन्वॉल्वमेंट ना हो लेकिन थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाए, कम से कम हाय हेलो हो जाए, दुआ सलाम तो हो जाए, कम से कम नमस्ते तो जरूर हो जाए, है ना, ये जरूर हो जाए। आपके घर पे हो रहा है तो ऐसा नहीं कि आप उनको कॉर्नर में लेके बैठे रहे और आपके घर वालों को आप उनको ना मिलवाएं। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको आप अपनी वाइफ से नहीं मिलवाना चाहते, अपने बच्चों से नहीं मिलवाना चाहते, तो इसका मतलब उसका करेक्टर ठीक नहीं है, तो ऐसे आदमी को तो बिजनेस में वैसे ही नहीं जाना चाहिए। अगर आदमी का करेक्टर ही आपको पता है ठीक नहीं है, वो आदमी ही अच्छा नहीं है, वो आदमी ढंग का नहीं है, तो उसको बिजनेस में क्यों लाएंगे? बिजनेस में तो हम उसी को लेकर आएंगे ना जो कि अच्छा इंसान है, एक सभ्य इंसान है, जो तमीज से बात करता है, जो इज्जत करता है। सो फैमिली का इन्वॉल्व होना ये बात की पुष्टि करता है कि वो व्यक्ति ठीक है और आप ठीक है। तो उसके घर पे जा रहे हैं तो भी उसकी फैमिली से थोड़ा सा मिल लीजिए, दुआ सलाम कर लीजिए, और आपके घर पे हो रहा तो अपनी फैमिली को भी उससे जरूर मिलवाइए, फैमिली के साथ में फॉलोअप होगा अच्छा रहेगा। और अगर आपका घर या उसका घर बहुत दूर है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम एक ऐसी जगह पर बैठ के फॉलोअप कीजिए जहां पर शांति हो, जहां पे बीच में कोई आके ना घुस जाए। कई बार क्या होता है, हम डिस्कस कर रहे होते हैं और बीच में आके घुस जाता है और बीच में आके डिस्टर्ब कर देता है और इधर उधर की बातें करके हमारे प्रोस्पेक्ट को खराब कर देता है। तो फॉलोअप ऐसी जगह पर होना चाहिए जो शांति हो, जहां पर, और जहां पे एनवायरमेंट ऐसा हो जहां पर आप दोनों अकेले में बैठ के बात कर सकते हो, ऐसी जगह पे कीजिए, अगर आपके घर पे या उसके घर पे संभव ना हो तो। अदरवाइज पहली चॉइस प्रोस्पेक्ट का घर, दूसरी चॉइस आपका घर, अगर तब भी संभव ना हो तो फिर कोई ऐसी जगह जहां पर आपको पहचानने वाले लोग हो, जहां पे आपका कंट्रोल हो, जहां पर कोई बीच में आके ना घुस जाए, जहां पर कोई आके डिस्टर्ब ना कर दे, जहां पर कोई हल्ला गुल्ला ना हो रहा हो, ऐसी जगह पर बैठ के बात करें, क्योंकि ये बिजनेस करोड़ों का बिजनेस है। एक बहुत बड़ी डिस्कशन आप करने वाले हैं जो कि चलते फिरते नहीं हो सकती है। कोशिश करके हमेशा, चाहे प्लान करना हो, दिखाना हो आपने, या फॉलोअप करना हो, ये इंडोर करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है बरामदे में करते हैं, घर के सामने कर रहे होते हैं, गार्डन में कर रहे होते हैं, गार्डन में लड़का लड़की डेट करने जाते हैं, वहां पर बिजनेस नहीं डिस्कस होता, वहां पर सीरियसनेस नहीं होती है। ओपन प्लेस में आप सेल को क्लोज नहीं कर पाएंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, ओपन एनवायरमेंट में सेल क्लोज करना पॉसिबल नहीं है। सेल तभी क्लोज हो पाएगी जब एनवायरमेंट क्लोज होगा, इंडोर, आउटडोर नहीं, अंदर छत के नीचे पीसफुल जगह पर, ओपन जगह पर सेल क्लोज नहीं होगी। सेल क्लोज होगी क्लोज एनवायरमेंट में, इसलिए ध्यान रखिए, क्लोज एटमॉस्फेयर होना चाहिए, मैंने आपको बताया। पांचवी चीज जो है फॉलोअप में जो आपको ध्यान रखनी है, वो है पेशेंस। कभी ऐसा होगा कि आपका प्रोस्पेक्ट पहली मीटिंग में ज्वाइन कर लेगा, प्लान दिखाया, उसी वक्त आपने क्लोजिंग की और आपने तुरंत उसका साइन अप किया, ऑर्डर कराया, पेमेंट करा दी। बहुत बार ऐसा होगा कि पहली मीटिंग में बंदा ज्वाइन कर जाएगा। कुछ ऐसे होंगे जिसका एक फॉलोअप करना पड़ेगा तो सेकंड मीटिंग में ज्वाइन करेगा। कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट होंगे जो दो मीटिंग के बाद एक और मीटिंग करनी पड़ेगी, एक और फॉलोअप करना पड़ेगा,
थर्ड मीटिंग में ज्वाइन होगा। कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट होंगे जो पांच मीटिंग में ज्वाइन करेंगे आपके साथ में, क्योंकि उनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आपको पेशेंस रखनी है, आपने हौसला नहीं खोना है, आपने उतावला नहीं हो जाना है। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, स्माइल रखिए, हौसला रखिए, घबराइए मत। अगर एक बार फॉलोअप करना पड़ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो बार फॉलोअप करना पड़ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीन बार फॉलोअप करना पड़ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चार बार भी फॉलोअप करना पड़ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जितनी ज्यादा मेहनत आप उसको ज्वाइन कराने के टाइम पे कर रहे होंगे, उतना ही ज्यादा वो व्यक्ति काम कर रहेगा, उतने ज्यादा लंबे समय तक आपके साथ में वो टिका रहेगा। इसलिए पेशेंस रखिए, क्योंकि कई मीटिंग्स आपको करनी पड़ सकती हैं। लेकिन ये याद रखिए, आप अगर एक मीटिंग में एक फॉलोअप पे एक प्लान के टाइम पे उस टाइम पे क्लोज नहीं कर पाए, तो दूसरी मीटिंग में जब आप उससे मिलेंगे, साथ में चाय पियेंगे, साथ में पानी पियेंगे, एक दूसरे के घर वालों से मिलेंगे, तो आपका रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग होगा। अगर उस मीटिंग में भी सेल क्लोज नहीं हो पाई, जब तीसरी बार आप मिल रहे होंगे, जो तीसरी मीटिंग कर रहे होंगे, तब आप उसके फैमिली से और अच्छी तरह से, पहली बार तो आप जानते नहीं होंगे, दूसरी बार जब आप फॉलोअप करने जा रहे होंगे तो आप उसकी वाइफ का नाम जानते होंगे, उनके बच्चों का नाम जानते होंगे, वो आपके परिवार के बारे में जान गया होगा, आप उसके परिवार के बारे में जान चुके होंगे, एक बार दो बार आपने चाय पी ली होगी साथ में, तो आपका जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत अच्छा हो गया होगा। तो जितनी बार फॉलोअप हो रहा होगा उतनी बार आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइनिंग के उतना करीब आता जा रहा है, क्योंकि आपके रिलेशन स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और आपके रिलेशन स्ट्रांग होते जा रहे हैं तो आपका प्रोस्पेक्ट डेफिनेटली ज्वाइन करेगा। तो फॉलोअप करने में कभी भी चिंता मत कीजिए कि दो बार मिल चुका हूं, तीन बार मिल चुका हूं, हर बार मीटिंग में कोशिश करके आप उसके करीब आने की कोशिश कीजिए, उससे एक अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश कीजिए, उससे एक स्ट्रांग बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कीजिए, और जब ये स्ट्रांग बॉन्डिंग हो जाएगी तो डेफिनेटली सेल आएगी। छठी चीज फॉलोअप के लिए वो है टूल्स। टूल्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अब टूल्स क्या क्या होते हैं? वीडियोस, कंपनी का वीडियो, कंपनी के अचीवमेंट्स का कोई वीडियो, कंपनी के किसी बड़े फंक्शन का वीडियो, प्रोडक्ट्स का वीडियो, आपकी प्रमोशन का वीडियो, बड़े सारे वीडियोस, अच्छे अच्छे वीडियोस, उनका इस्तेमाल कीजिए। ब्रोशर का इस्तेमाल कीजिए, ब्रोशर साथ में लेके जाइए, और फॉलोअप के टाइम पे अगर बात ना बन पाए, क्लोजिंग ना हो पाए, तो उसको ब्रोशर छोड़ के आइए कि सर ये ब्रोशर लीजिए, इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए, और मैं जब दूसरी बार आपसे मिलूंगा तो मैं आपसे ये ब्रोशर ले लूंगा। तो आपके पास बहाना होगा, मौका होगा उस ब्रोशर के बहाने दोबारा उस प्रोस्पेक्ट से मिलने का। तो ब्रोशर का इस्तेमाल कीजिए, वीडियोस का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा जो आपकी अचीवमेंट है, आपका जो चेक आया हुआ है, आपका जो पेआउट आया है वो दिखाइए, वो बहुत बड़ा टूल है। आपका नहीं आया तो आपके अपलाइन का दिखाइए, आपके डाउनलाइन में किसी का दिखाइए, जो भी अचीवमेंट्स आप दिखा सकते हैं, आपका नहीं है, आपके डाउनलाइन का नहीं है, कोई बात नहीं, किसी और से जो जिनका बड़ा चेक आया है वो उनके साथ दिखाइए, वो शेयर कीजिए उनके साथ में। टूल्स जो है वो बड़ा काम करते हैं। कंपनी के अचीवमेंट बताइए, हमारी कंपनी अभी 21 साल पूरे करने जा रही है। अभी रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था, 300 लोगों का डायमंड रबाव का एक शानदार प्रोग्राम हुआ था अभी दिल्ली में, हयात रीजेंसी में, है ना। वो कितना अच्छा मोटिवेट करता है, मुझे भी मोटिवेट करता है, डेफिनेटली गेस्ट को भी मोटिवेट करेगा। तो कंपनी के अचीवमेंट्स, आपके अचीवमेंट्स, आपके अपलाइन के अचीवमेंट्स, आपके डाउनलाइन के अचीवमेंट, ब्रोशर, वीडियोस, ये सब टूल्स हैं जो कि आप उनका इस्तेमाल करेंगे भरपूर तो आप सेल कर पाएंगे। जब आप चले जाते हैं फॉलोअप करके और सेल नहीं आती है और आप उसको कोई टूल देके जाते हैं, तो ये टूल आपके एब्सेंस में भी काम कर रहे होते हैं। आप तो वहां से निकल गए हैं दूसरे फॉलोअप पे, तीसरे फॉलोअप पे प्लान दिखाने के लिए, लेकिन जो टूल आप उसके पास छोड़कर गए हैं, जो वीडियो आप उसके पास छोड़कर गए हो, वीडियो देख रहा होगा और पॉजिटिव हो रहा होगा, वो ब्रोशर पढ़ रहा होगा और पॉजिटिव हो रहा होगा, वो कंपनी के अचीवमेंट देख रहा होगा और पॉजिटिव हो रहा होगा, आप नहीं है वो देख रहा होगा लेकिन मोटिवेट हो रहा होगा। तो टूल्स आपके एब्सेंस में भी काम करेंगे। अगर आपने टूल्स नहीं दिए फॉलोअप पे, और अगर वो बिजनेस को लेकर सीरियस है, वो ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन वो ज्वाइन करने से पहले जानकारी चाहता है बहुत सारी, और आपने उसको टूल्स दिए नहीं, तो वो क्या करेगा? वो गूगल करेगा, यूट्यूब पे जाएगा, और आप जानते हैं सोशल मीडिया पे तो हर तरह का कचरा भी होता है, अच्छी चीजें भी मिलेंगी, गलत चीजें भी मिलेंगी, कचरा भी मिलेगा और खुशबूदार चीजें भी मिलेंगी। तो आप क्या चाहते हैं? आपका प्रोस्पेक्ट कचरा ढूंढे या अच्छी अच्छी चीजें देखे? इसलिए टूल्स आप दीजिए, वीडियोस आप फॉरवर्ड कीजिए, लिंक आप उनको फॉरवर्ड कीजिए, ना कि वो सर्च करे और ढूंढ के लाए। अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा कुछ, है ना। अगर आप मेरे बारे में बात करेंगे या मैं आपके बारे में बात करूंगा, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपसे चिढ़ते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो आपसे आपके आपकी तारीफ करते होंगे, जो आपसे करीबी होंगे,
जो आपको बहुत चाहते होंगे, ऐसे ही मेरे लिए भी होगा, बहुत सारे लोग मुझे चाहते होंगे, बहुत सारे लोग मुझसे नफरत भी करते होंगे, जलते भी होंगे, है ना। तो जिससे आप ओपिनियन लेंगे सबका ओपिनियन अलग होगा, वैसे ही जो सोशल मीडिया है उस पर भी सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बड़े सारे लोग ऐसे होंगे जो नरेंद्र मोदी से बहुत प्यार करते हैं, जो उनको बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और वैसे ही बहुत सारे लोग होंगे जो उनसे नफरत करते हैं। ना वो गलत है ना वो गलत है, सबके अपनी विचारधारा है। वैसे ही सोशल मीडिया पे भी आपको हर तरह का कंटेंट मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा, तारीफ करने वाले भी मिलेंगे और बुराई करने वाले भी मिलेंगे। लेकिन आप क्या चाहते हैं, आप उनको अच्छा देना चाहते हैं या बुरा देना चाहते हैं? अच्छा देना चाहते हैं तो आप खुद शेयर कीजिए उनके साथ में, आप टूल्स उनको खुद दीजिए, ना कि वो सर्च करें, राइट। साथ ही चीज इवेंट्स को इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहां पर आप अपने प्रोस्पेक्ट को ला सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठकर प्रोस्पेक्ट को वहां पर ले जाकर आप सेल क्लोज कर सकते हैं। इवेंट्स में जो माहौल होता है ना बड़ा पॉजिटिव होता है, इवेंट्स लाइक बूट कैंप। अभी आरके सिंह जी एक बूट कैंप कर रहे हैं, तो आरके सिंह जी की पूरी टीम उस बूट कैंप में जाए, है ना, और जो गेस्ट क्लोज है ज्वाइन करने वाले ही हैं उनको भी उस बूट कैंप का हिस्सा बना लें, क्या प्रॉब्लम है? अगर वो इंटरेस्टेड है, जानना चाहता है, कंपनी को जानना चाहता है, लीडर्स को जानना चाहता है, सीनियर्स को जानना चाहता है, तो क्यों ना बूट कैंप में आ जाए। उसके बाद शांता सीमन जी भी एक बूट कैंप करने वाले हैं, तो उस बूट कैंप में कभी अगर मैं बूट कैंप कर रहा हूं या कोई और लीडर बूट कैंप कर रहा हो, आपकी टीम का कोई लीडर बूट कैंप कर रहा हो, पैरेलल में नहीं, आपकी टीम का कोई भी लीडर अगर बूट कैंप कर रहा हो, तो उसमें अपने गेस्ट को आप आमंत्रित कर सकते हैं। अगर फुल टाइम ना अटेंड करें तो इवेंट के बाद में अटेंड कर ले, जाके मिल ले वहां पर, वहां पे बाकी लीडर्स भी तो होते हैं, वहां पे मुलाकात हो सकती है। कब ट्रेनिंग हो रही हो उसमें भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को बिठा सकते हैं, अपने अपलाइन को बता के इसके बारे में। अगर वो सिर्फ एक कदम दूर है, प्लान देख चुका है, बिजनेस देख चुका है, इंटरेस्टेड है, करना चाहता है, हल्की फुल्की झिझक है, तो ट्रेनिंग का हिस्सा बना लीजिए उसको, उस इवेंट में वो पॉजिटिव होगा। और हम कोई नेगेटिव बातें तो नहीं कर रहे ना, अच्छी बातें कर रहे हैं, हम सिखा रहे हैं आपको, हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपका बिजनेस तेजी से कैसे चलेगा। तो जब वो देखेगा कि हाँ बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है, यूजफुल ट्रेनिंग होती है, तो उसके अंदर जो हल्की फुल्की झिझक है वो भी खत्म हो जाएगी, तो ट्रेनिंग्स में फायदा उठा सकते हैं। इवोल्व अभी कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहे लेकिन होंगे, तो जब भी इवोल्व हो तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को लेके आइए वहां पे तैयार करके। इवोल्व के अलावा सक्सेस डे अभी नहीं हो रहे लेकिन होंगे, कोरोना का हल्का सा ये प्रकोप कम हो जाएगा और ओपनिंग हो जाएगी पूरी तरह से ऑडिटोरियम वगैरह की, तो इवोल्व भी होंगे, सक्सेस डे भी होंगे, ट्रेनिंग भी होगी, तो उनका भी फायदा उठाइए। बहुत बार ऐसा होगा कि टीम मीटिंग हो रही होगी, आपका लीडर आ रहा होगा, आपका सीनियर आ रहा होगा, आपका टीम हेड आ रहा होगा टीम मीटिंग करने के लिए, तो उसकी परमिशन से पहले उनसे परमिशन लेके जब मीटिंग खत्म हो जाए उसके बाद अपने गेस्ट को मिलवा दीजिए। वहां पर 10 12 15 लोग बैठे होते हैं टीम मीटिंग में, उसके बाद में अगर आप परमिशन लेके अपने अपलाइन से बात कर लेते हैं तो उसके बाद भी तो अपलाइन से मुलाकात की जा सकती है, उस इवेंट का फायदा उठा सकते हैं आप। आठवीं चीज जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, फॉलोअप में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपकी सेल आएगी नहीं आएगी वो इस बात पर निर्भर करती है, जो है पॉइंट नंबर 8। इस पे मैं बहुत जोर डालता हूं और ये ही जान है बिजनेस की, पर्सनल एश्योरेंस। पर्सनल एश्योरेंस सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, हर जगह जरूरत होती है। एक सेंटेंस लिखा हुआ आपके स्क्रीन के ऊपर, पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी और इवन लीव कंपनी, पीपल ज्वाइन पीपल। लोग कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग सेफ शॉप को ज्वाइन नहीं करते हैं, या लोग सेफ शॉप को छोड़ के नहीं जाते हैं या कंपनी को छोड़ के नहीं जाते हैं, और जब वो ज्वाइन करते हैं तो आपको ज्वाइन करते हैं और छोड़ के जाते हैं तो आपको छोड़कर जा रहे हैं, कंपनी को छोड़कर नहीं जा रहे हैं। अपलाइन से नहीं बन रही है लोग चले जाते हैं, डाउनलाइन से नहीं बन रही है गड़बड़ हो जाती है, है ना। लोग ज्वाइन करते हैं लोगों को, पीपल ज्वाइन पीपल एंड पीपल लीव पीपल। लोग लोगों के साथ ज्वाइन करते हैं या लोगों को छोड़ के जाते हैं, कंपनी बाद में आती है, आप पहले आते हैं, आपका रिलेशनशिप पहले आता है। आप एग्जांपल के लिए कभी सोचिए, आप एक घड़ी खरीदने गए या एक फोन खरीदने गए, आप एक फोन खरीदने गए दुकान पे गए, उसने आपको फोन दिखाया, कई तरह के फोन दिखाए, उसमें से एक आपको पसंद आ गया, उसका रेट आपको समझ में आ गया, उसके फीचर्स आपको अच्छे लगे, आप उसके बारे में रिसर्च करके भी शायद गए होंगे, आपने फीडबैक वगैरह भी लिया होगा, आपने डिसीजन लिया कि मैं ये वाला फोन खरीदने वाला हूं, आपका डिसीजन हो गया ये फोन खरीदना है। जब आप पेमेंट कर रहे होते ना काउंटर पे, सब कुछ कर लिया है आपने, सब कुछ जान लिया है, उसके बाद भी पेमेंट जब आप कर रहे होते हैं ना, जेब में हाथ डाल के क्रेडिट कार्ड निकाल रहे होते हैं या कैश निकाल रहे होते हैं, तब उस सेल्समैन से या जो बिल बना रहा होता है उससे भी पूछ लेते हैं, भाई ये ले रहा हूं ठीक है ना, क्या कहते हो, अच्छा है? ये सेल्समैन से पूछ लेते हैं कि नहीं पूछ लेते हैं, मैं लेते रहा हूं ये, आप क्या कहते हो, आपका ओपिनियन क्या है, इसकी रिव्यू कैसे है, इसके बारे में फीडबैक कैसा आता है, ये प्रोडक्ट कैसा है, ले लूं क्या,
आप डिसाइड कर चुके हैं आपको ये लेना है, लेकिन उसके बावजूद भी पेमेंट करने से पहले, कार्ड देने से पहले आप उससे पूछते हैं सेल्समैन से कि ये सही है क्या, ले लूं? अब आपके सेल्समैन के पास दो ऑप्शन है, जो आप काउंटर पर खड़ा हुआ है, वो कहेगा सर मैं तो कस्टमर केयर नहीं देखता हूं, मेरा काम तो है बिल बनाना, आपने पसंद कर लिया मैं बिल बना के आपके पेमेंट कर देता हूं, आपको रसीद दे देता हूं, अगर इससे फोन में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसकी जिम्मेदार होगी हमारी टेक्निकल टीम, कस्टमर सर्विस टीम, वो डिपार्टमेंट अलग है सर, मेरा डिपार्टमेंट अलग है, मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम तो ये है कि मैं आपको बेच दूं। शायद वो सेल्समैन गलत तो नहीं बोल रहा, वो सही बोल रहा है ना, उसका काम है कि जो कस्टमर आया है उससे जो पसंद किया है उसका बिल बना के दे दो, उसकी गारंटी कार्ड उसको दे दो, उसको पैक करके वो दे दे, और वो जब बोलता है कि ये मेरा काम नहीं है, आपका सेल्स जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो अलग है, सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो अलग है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको सर्विस सेंटर लेना होगा, ये वो बोल सकता है, और वो गलत भी नहीं बोल रहा होता, झूठ भी नहीं बोल रहा होता इसमें, लेकिन वो सेल्समैन क्या बोलता है वहां पर, सर मैं हूं ना, चिंता क्यों कर रहे हैं, हम है ना यहां पर, दुकान खुली है ना, दिक्कत क्या है, आप आंख मिच के लीजिए सर, शानदार प्रोडक्ट है, वो पर्सनल गारंटी देता है, उसको टेक्निकल नॉलेज भले ही ना हो, लेकिन वो फिर भी बोलता है सर चिंता मत कीजिए, हम है ना यहाँ पर, दुकान तो खुली है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो हम बैठे हैं सर, चिंता मत कीजिए, बेफिक्र होकर लीजिए, आराम से लीजिए, एंजॉय कीजिए, शानदार प्रोडक्ट है। यही हर सेल में चाहिए होता है, किसी भी सेल में, आप एक प्लॉट खरीदने जाते हैं, आप एक मकान खरीदने जाते हैं, आप किराए पे मकान लेना चाहते हैं, आप किसी का रिश्ता करने जा रहे हैं, अपनी बहन का, अपनी बेटी का, अपने भाई का, अपने बहन का, किसी का रिश्ता भी लेने जाते हैं, उसके बावजूद भी आपने सब कुछ इंक्वायरी कर ली है, सब कुछ जान पहचान कर लिया है, सारे बारे इंफॉर्मेशन आपने ले ली है, उसके बाद एक बार पूछते हैं रिश्ता कर दे फाइनल, आप हो ना, गारंटी है ना आपकी, आप जानते हैं ना आपकी मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक वो नहीं बोलता है जो इंट्रोड्यूस करने वाला है, देखिए शादी क्या होती है तो क्या होता है, एक लड़की का पक्ष होता है, एक लड़की का पक्ष होता है, और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दोनों परिवार को जानता है, लड़की के परिवार को भी जानता है, लड़के के परिवार को भी जानता है, जिसको बहुत आम भाषा में हम बिचौलिया कहते हैं, वो है बी, वो है हमारा बिजनेस में इंट्रोड्यूसर, वो है हमारा नया एसोसिएट, जो सीनियर को भी जानता है और जो अपने गेस्ट को भी जानता है, वो हम दोनों से मुलाकात कराता है, गेस्ट की मुलाकात करवाता है सीनियर से, सीनियर की मुलाकात कराता है गेस्ट से, उसका रोल सबसे अहम है। अगर बिचौलिया जो रिश्ता करवाता है वो ये बोल दे देखो सर मैं तो इनको थोड़े दिन से जानता हूं, आप इंक्वायरी कर लीजिए, मेरा कोई गारंटी नहीं है, मेरा बीच में कोई लेना देना नहीं है, आपको अच्छा लगे कर दो, आपको नहीं अच्छा लगे मत करो, आपकी मर्जी है, करना करो, नहीं करना मत करो, अगर ऐसा बोल दे तो शायद रिश्ता कभी भी नहीं होगा। जब एक रिश्ता नहीं हो सकता, एक सिंपल सी सेल नॉर्मल वो नहीं हो सकती, तो एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कैसे हो सकती है बिना पर्सनल एश्योरेंस के? तो आपको पर्सनल एश्योरेंस देनी है। किस तरह की एश्योरेंस देनी है? सर मैं आपके साथ हूं ना, चिंता क्यों करते हो, मैं हूं आपके साथ, मैं हूं ना, मैंने इस कंपनी को देख लिया है, मैंने इस बिजनेस को देख लिया, मैंने प्रोडक्ट देख लिया है, मैं सब समझ लिया है इस बिजनेस के बारे में, इसकी सारी बारीकियां मैं जान गया हूं, मैं काफी दिन से इस बिजनेस में हूं, है ना, मुझे पता है, चिंता मत कीजिए, मैं हूं, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, ये जो मेरा सीनियर है मैं इसको काफी दिन से जानता हूं, मेरे इनसे अच्छे रिलेशन है, ये भी आपको सपोर्ट करेंगे, मैं और मेरे सीनियर दोनों मिलकर आपकी कामयाबी में एक सकारात्मक रोल अदा करेंगे, मैं आपकी कामयाबी में हर संभव कोशिश करूंगा कि आप कामयाब हो जाएं, मैं और मेरा सीनियर आपको कामयाब बनाने के लिए अपना सकारात्मक रोल अदा करेंगे, हम मिलकर कामयाब होंगे, आप आइए हाथ मिलाइए, स्टार्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए, मैं आपके साथ में हूं, मैं और आप मिलकर काम करेंगे, हम जरूर कामयाब हो जाएंगे, मैं और आप एक दूसरे की ताकत बनेंगे, आपके कांटेक्ट भी हैं, मेरे कांटेक्ट भी हैं, हमारे कॉमन कांटेक्ट भी हैं, हम दोनों मिलकर अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली लोग ज्वाइन करेंगे, साथ में हमारे सीनियर का सपोर्ट हमारे साथ में है, डेफिनेटली वो हमारी हेल्प करेंगे और हम बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। ये है पर्सनल एश्योरेंस। ये अगर बी नहीं बोलेगा तो सेल नहीं आएगी। ए जितनी मर्जी कोशिश कर ले, सीनियर ए जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन अगर बी ने उसको पर्सनल एश्योरेंस नहीं दी तो सेल नहीं आएगी। बी ने, इंट्रोड्यूसर ने, उस एसोसिएट ने जिसने गेस्ट मिलवाया आपने सीनियर से, उसको यह बोलना है कि चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ में हूं, मैं हूं, बेफिक्र रहिए, मैंने देख लिया है, समझ लिया है, जान लिया, मुझे इस कंपनी पे भरोसा है, मुझे इन प्रोडक्ट्स पे भरोसा है, मैंने सारी इंफॉर्मेशन ले ली है, मैं आपका साथ दूंगा, हम मिलकर काम करेंगे,
मैं आपकी कामयाबी के लिए जितनी मदद कर सकता हूं वो करूंगा, हम मिलकर काम करेंगे, हम मिलकर एक दूसरे की ताकत बनेंगे तो डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे। आइए हाथ मिलाते हैं और काम की शुरुआत करते हैं। ये अगर आपका प्रोस्पेक्ट को आप नहीं बोलेंगे, एक इंट्रोड्यूसर, एक नया एसोसिएट अपने गेस्ट को ये नहीं बोलेगा तो सेल नहीं आएगी। लेकिन ध्यान ये रखना कि आपने ना झूठ बोलना है ना गलत कमिटमेंट करना है। आपने झूठ भी नहीं बोलना है और आपने कुछ गलत कमिटमेंट भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलते चिंता मत कर मैं कर लूंगा सब, तुझे कुछ नहीं करना तू बस ज्वाइन कर ले, तेरी दोनों लेग में चला लूंगा, जो कि संभव नहीं है, जो झूठ है। ऐसी एश्योरेंस मत दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है तू काम करे ना करे कोई बात नहीं यार, मैं बैठा हूं ना, मैं देख लूंगा, ये गलत कमिटमेंट है। कमिटमेंट दीजिए कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, हम मिलकर काम करेंगे, मेरा सीनियर आपकी हेल्प करेगा, मैंने सब जान लिया है, मैंने सब देख लिया है, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा इस बिजनेस को डेवलप करने में, हम मिलकर करेंगे, मैं कर दूंगा ये गलत है, आप ज्वाइन कर लीजिए मैं कर दूंगा ये गलत है, हम मिलकर कर लेंगे ये सही है। एश्योरेंस दीजिए, गलत कमिटमेंट मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, राइट। एश्योरेंस देना बहुत जरूरी है, एश्योरेंस पे ही सेल निकलेगी। और ये एश्योरेंस किसका होना चाहिए? सीनियर का तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में जो इंट्रोड्यूसर है उसका भी एश्योरेंस बहुत मायने रखता है। जब वो इंट्रोड्यूसर उसको एश्योरेंस देता है कि मैं हूं, चिंता मत करो, मिलके काम करेंगे, मैंने सब देख लिया है, मैंने सब जान लिया है, मैं सीनियर को जानता हूं, इस कंपनी को जानता हूं, प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता हूं, शानदार प्रोडक्ट है, शानदार कंपनी है, शानदार पे आउट है, मिलकर काम करेंगे, कामयाब हो जाएंगे, ये बोलना बहुत जरूरी है। नंबर 9, आपके अंदर एक्साइटमेंट कितना है, आप इस बिजनेस को लेकर कितने उत्साहित हैं, ये बहुत मायने रखता है। आपका इस बिजनेस में कितना भरोसा है वो दिखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जो इंट्रोड्यूसर होता है चुपचाप बैठ जाता है, वो बोलता ही नहीं है, वो चुपचाप बैठा रहता है, वो बात ही नहीं करता, वो चुप जान जाता है कि मैंने मिलवा दिया, सीनियर है, सीनियर कर लेगा, सीनियर कर लेगा, सीनियर ऑब्जेक्शन हैंडल कर लेगा, क्लोजिंग कर लेगा, उसके सवालों का जवाब दे देगा, बस सेल तो आपको देख के देगा आपका प्रोस्पेक्ट। अगर आप मुंह लटका के बैठे होंगे, आपको इस बिजनेस में कोई उत्साह ही नहीं है, आपके चेहरे पे 12 बजे होंगे, तो क्या कोई आपके साथ ज्वाइन करना चाहेगा? आपका भरोसा इस बिजनेस में दिखना चाहिए प्रोस्पेक्ट को। वो दिखेगा कैसे? जब आप एक्साइटेड होंगे, जब आप एंथुजियास्टिक होंगे, जब आप बोलेंगे कि मैं हूं, मिलकर करेंगे यार, मेहनत करेंगे, मिलकर मेहनत करेंगे, चिंता मत कर, हम तो आग लगा देंगे, है ना, ये दिखना चाहिए प्रोस्पेक्ट को। आपका जो एंथुजियाज्म है ना वो दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, एविडेंट होना चाहिए, वो प्रत्यक्ष होना चाहिए वहां पर। आपके प्रोस्पेक्ट को ये फील होना चाहिए कि आप इस बिजनेस को लेकर बहुत सीरियस हैं। आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बोला है मैं इस बिजनेस को बहुत सीरियसली करने वाला हूं, मैं इस बिजनेस से लाखों करोड़ों कमाने वाला हूं, मैं जो सपने अब तक पूरे नहीं हो पाए उन सारे सपनों को मैं यहां से पूरा करूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। तो वो एंथुसियाज्म आपके अंदर दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, एविडेंट होना चाहिए। एंथुसियाज्म जो है आपके अंदर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस प्लान से और प्रोडक्ट की नॉलेज से। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज कम है कोई बात नहीं, प्रोडक्ट की नॉलेज कम है आपको कोई बात नहीं, चल जाएगा। आपको बिजनेस प्लान की पूरी नॉलेज नहीं है, चल जाएगा। प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, चलेगा। बिजनेस प्लान की नॉलेज नहीं है, चलेगा। कंपनी के बारे में ज्यादा नहीं जानते, चलेगा। पर आपके अंदर जोश तो होना चाहिए ना, आपके अंदर एक्साइटमेंट तो होना चाहिए ना, आपके अंदर कमिटमेंट तो दिखना चाहिए ना, फेथ तो होना चाहिए ना, भरोसा तो होना चाहिए ना कि मैं हूं यार, मिलकर करेंगे ना, ये जरूरी है। नॉलेज हो ना हो, एक्साइटमेंट होना जरूरी है, भरोसा होना बहुत जरूरी है, फेथ होना बहुत जरूरी है, और दिखना बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्ट आपको देखकर ज्वाइन करेगा, आप मुंह लटका के बैठेंगे ज्वाइन नहीं करेगा, आप सीरियस होकर बैठे रहेंगे प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं करेगा। इसलिए आपका भरोसा, आपका फेथ, आपका एक्साइटमेंट, आपका एंथुसियाज्म वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर 10, नेवर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, जो मैंने पिछले सेशन में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि क्लोजिंग में, फॉलोअप में, क्लोजिंग में भी वही करना है, फॉलोअप में भी वही करना है, कभी भी ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, हमेशा क्लोज क्वेश्चन पूछने हैं, ऑलवेज आस्क क्लोज क्वेश्चन। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने पिछली ट्रेनिंग में बताया था, मैं फिर से एक बार हल्का सा दोहराता हूं उसको, कि हमने आपको प्लान दिखाया जिसमें प्रोडक्ट्स थे हमारी कंपनी के बहुत ही शानदार, और एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमने आपके साथ शेयर की, आपको दोनों में से ज्यादा अच्छा क्या लगा, विच वन डिड यू लाइक द मोस्ट, आपको हमारे प्रोडक्ट ज्यादा पसंद आए या हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्यादा पसंद आई, आपको ज्यादा अच्छा क्या लगा आपको, ये क्वेश्चन हो गया। उसने बोला मुझे प्रोडक्ट आपके बहुत अच्छे लगे, तो आप पूछिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा आपको, ये मत बोलिए कि आपको प्रोडक्ट क्यों अच्छे लगे, बिजनेस भी अच्छा लगा आपको, क्या बेवकूफ वाली बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं, हमेशा अग्री कीजिए उससे। वो बोलता है मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो पूछिए कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा, वो बोलता है मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी लगी,
तो प्रेयर से बच जाइए, फिर बिजनेस भी बात कीजिए, फिर पूछिए आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी तो इसको आप पार्ट टाइम में करेंगे या फुल टाइम में करेंगे, कब करेंगे नहीं पूछना है, पार्ट टाइम में करेंगे या फुल टाइम में करेंगे, ये क्लोज क्वेश्चन हुआ। इस बिजनेस से आप कितना कमाना चाहेंगे हर महीने, इस बिजनेस से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस बिजनेस से आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि कितना पैसा आप इस बिजनेस से कमाना चाहते हैं, ये क्लोज क्वेश्चन हुआ। इस बिजनेस से आप हर महीने कितना पैसा कमाना चाहते हैं, क्लोज क्वेश्चन, राइट। एक और क्लोज क्वेश्चन, आप पैसे कब से कमाना चाहते हैं, ज्वाइन कब से करना चाहते हैं, ये पूछने के बजाय आप ये पूछेंगे कि पैसे कब से कमाना चाहते हैं, तो उसमें सारी चीजें कवर हो गई। आप पूछेंगे कब से ज्वाइन करना चाहते हैं, बोला एक साल दे दे यार मुझे, एक साल बाद कर लूंगा, क्या आप एक साल वेट करना चाहते हैं। आपने उससे पूछा कब ज्वाइन करेगा, कब पे करेगा, उसने बोला यार अभी तो टाइट चल रहा है मामला, कुछ दो चार महीने रुक जाए फिर करता हूं, क्या आपको चाहते हैं ऐसा जवाब, क्योंकि वो ओपन क्वेश्चन पूछ लिया आपने, आपने क्लोज क्वेश्चन पूछना है। क्लोज क्वेश्चन मतलब कि पैसे कब से कमाना चाहते हैं, और हर इंसान जल्दी से जल्दी पैसे कमाना चाहता है, और अगर वो जल्दी से जल्दी पैसे कमाना चाहता है तो अंडरस्टूड है कि वो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करे, जल्दी से अपना प्रोडक्ट ऑर्डर करे, और जल्दी से अपनी लिस्ट बनाए, जल्दी से ट्रेनिंग अटेंड करे, उसके बाद मिलकर आपके साथ में काम करे। तो आपने सिर्फ एक सेंटेंस पूछ के, एक सवाल पूछ के कि आप पैसे कब से कमाना चाहते हैं, आपने बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली उसको बोल दी। जैसे उसने बोला मैं जल्दी कमाना चाहता हूं, बहुत सारा कमाना चाहता हूं, तो बोला ठीक है जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आइए आपका रजिस्ट्रेशन करता हूं, आइए आपका प्रोडक्ट ऑर्डर करता हूं, आइए पेमेंट करते हैं, पैकेज मंगाते हैं, फिर उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूं कि कैसे करना है और कैसे हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। क्लोज क्वेश्चन पूछिए। एक और क्लोज क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप कि आप पे कैसे करना पसंद करेंगे, आप वॉलेट यूज करना चाहते हैं पेमेंट के लिए, या क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, या डेबिट कार्ड यूज करेंगे, या नेट बैंकिंग यूज करेंगे, या यूपीआई से पेमेंट करेंगे, या कैश आप देना चाहते हैं, किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, ये पूछ लीजिए। ये भी एक क्लोज क्वेश्चन हुआ। नंबर 11, जब भी फॉलोअप पे जाएं तो ऐसा नहीं है कि आप ही शुरू हो जाएं, बस आप ही आप बोलते रहे और प्रोस्पेक्ट की सुने ही ना। फॉलोअप मतलब है कि आपने प्रोस्पेक्ट को ज्यादा सुनना है, आपने खुद ने कम बोलना है, तो प्रोस्पेक्ट को सुनिए, उसकी बातों में इंटरेस्ट शो कीजिए, जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुनिए, उस बात में इंटरेस्ट कीजिए, मुंह मत बनाइए, माथे में सिकन नहीं पड़नी चाहिए क्या फालतू की बातें बोल रहा है। कई बार हम ये बोलते नहीं लेकिन हमारे चेहरे पे आ जाता है, हमारे आव भाव में दिखाई दे जाता है कि आप उसकी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, उसकी बात में इंटरेस्ट लीजिए, सुनिए ध्यान से उसको। जितना ज्यादा आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा उतना ही आसान होगा आपको उसको ज्वाइन कराना, वो क्लू दे रहा होगा। जितना ज्यादा आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा आपको उतने ज्यादा क्लू मिलेंगे कि आपका प्रोस्पेक्ट क्यों ज्वाइन करेगा। तो प्रोस्पेक्ट की बात में इंटरेस्ट लीजिए, प्रोस्पेक्ट को बोलने दीजिए, प्रोस्पेक्ट को एनकरेज कीजिए बोलने के लिए, वो जितना ज्यादा बोलेगा उतना ही आसान होगा आपको क्लोजिंग करना। उसके इंटरेस्ट के बारे में आपको पता लगेगा, उसकी प्रायोरिटीज के बारे में आपको पता लगेगा, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो आपको पता लगेगा, और उससे आप अच्छी तरह से क्लोजिंग कर पाएंगे। प्रोस्पेक्ट बहुत सारे सवाल पूछता है, जो मैंने लास्ट सेशन में भी आपसे बात की थी, ऑब्जेक्शंस होते हैं बड़े सारे, और आपका प्रोस्पेक्ट नहीं चाहता कि आप सारे सवालों का जवाब दे, वो सिर्फ ऑब्जेक्शन कर रहा है, वो बताना चाहता है कि मुझे भी पता है कुछ, मैं भी कुछ जानकारी रखता हूं, मुझे भी कुछ नॉलेज है, वो जताने की कोशिश कर रहा होता है, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए या सिर्फ अपनी नॉलेज बताने के लिए आपको कुछ सवाल पूछता है, वो जवाब एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे सारे, बहुत सारे सवालों के जवाब वो एक्सपेक्ट करता ही नहीं आपसे, वो सिर्फ पूछता है फॉर्मेलिटी के लिए, तो सुन लीजिए उसके जवाब देने की जरूरत नहीं है। प्रोस्पेक्ट चाहता है कि आप उसको वैल्यू दें, आप उसकी कदर करें, आप उसकी बातों को, उसकी भावनाओं की कदर करें, आप उसको सुने, आप उसकी भावनाओं को समझें, सिर्फ वो इतना चाहता है, जवाब नहीं चाहता प्रोस्पेक्ट सारे, कुछ सवालों के जवाब शायद वो चाहता हो लेकिन सारे सवालों के जवाब वो नहीं चाहता, वो बस ये चाहता है कि आप उसकी कदर करें, आप उसको वैल्यू दें, आप उसको इंपोर्टेंस दे। नंबर 12, अगर आपको कुछ ऐसे अटपटे सवाल सुनने को मिलते हैं या कुछ ऐसे रिमार्क सुनने को मिलते हैं जो कि अच्छे नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, चेहरे पे मायूसी मत आने दीजिए, चीयरफुल रहिए, डिसहार्टन मत हो जाइए। अगर आपका प्रोस्पेक्ट कहता है कि मुझे ज्वाइन नहीं करना, मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं कुछ नहीं खरीदना चाहता, तो चिंता मत कीजिए उसकी। नो का मतलब नो नहीं होता है, नो का मतलब होता है नॉट नाउ। आज के बाद अगर आपको कोई बोलता है कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये बिजनेस नहीं सुनना, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब नो नहीं है। उसने ना बोला, उसकी ना का मतलब है कि वो अभी थोड़ा वक्त चाहता है।
नो का मतलब है नॉट नाउ, अभी नहीं करना चाहता, या वो कहता है कि मैं अभी पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुआ हूं, मुझे थोड़ा सा और कन्विंस कीजिए, मुझे अभी भी कुछ डाउट्स हैं, मुझे अभी भी कुछ और चर्चा करनी है, मुझे अभी भी कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, मुझे मेरे अंदर अभी भी झिझक है कुछ, उस झिझक को निकालिए। अगर कोई ना कहता है तो झिझक है, अगर ना बोलता है तो या तो टाइम चाहता है थोड़ा सा, स्पेस चाहता है थोड़ा सा, या फिर उसके अंदर जो झिझक है उसको क्लियर करना चाहता है। तो घबराइए मत, आराम से मुस्कुराइए और बोलिए कोई बात नहीं, आपकी बात को मैं समझता हूं, आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं और मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा, मैं आपके ऊपर बिल्कुल दबाव नहीं डालूंगा, बस सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा आपने क्या देख लिया, ऐसा मैंने क्या गलत बोल दिया, या इस बिजनेस में आपको ऐसा क्या गलत नजर आया जिसकी वजह से आप अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं, ऐसा क्या आपने देख लिया, ऐसा क्या आपने सुन लिया, ऐसा क्या आपने समझ लिया, या किसी किस आदमी से आप मिल लिए जिसने आपको इस बिजनेस के बारे में कुछ गलत बातें बोल दी। हो सकता है उसको किसी ने भड़काया हो सकता है किसी ने उसको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी हो, या हो सकता है उसने सोशल मीडिया से कुछ गलत कचरा उठा लिया हो। तो जानने की कोशिश कीजिए, पूछने की कोशिश कीजिए कि कोई बात नहीं, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, मैं समझ सकता हूं, मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा, मैं आपके साथ बिल्कुल जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैं आपको कंपेल नहीं करूंगा, मैं आपके डिसीजन को एक्सेप्ट करता हूं, सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या गलत देख लिया, या ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है, ऐसा क्या दिक्कत है जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बस सिर्फ उतना जानना चाहता हूं अपनी नॉलेज के लिए, वैसे आपके डिसीजन को मैं एक्सेप्ट करता हूं। और धीरे धीरे वो बोलना शुरू होगा, और बोलना शुरू होगा तो आपको फिर से चांस मिलेंगे उसको कन्विंस करने के। आपको 99% लोग ऐसे मिलेंगे जो ना बोलेंगे, 0.01% लोग ऐसे होंगे जो आपको आपने बोला और उनने पेमेंट दे दी, 99.9% तो ऐसे ही होंगे जो पहले ना बोलेंगे, ना पहले बोलेंगे हाँ बाद में बोलेंगे। तो आपको ज्यादा और बिजनेस कहां पर है? हां बोलने वाले, तुरंत हां बोलने वाले, तुरंत पेमेंट करने वाले लोग कितने हैं? 0.01% जो तुरंत हां बोलेंगे, लेकिन 99.9% तो ऐसे हैं जो पहले ना बोलेंगे बाद में हां बोलेंगे, उनकी ना बाद पहले आएगी हां बाद में आएगी। तो ज्यादा बिजनेस कहां पर है? अगर आप ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो 0.01% है, जो तुरंत हां बोलने वाले हैं, तो आपका मार्केट कितना बच गया? अगर आप ऐसे आदमी ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं, ऐसे प्रोस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं कि आपने बिजनेस बताया और उन्होंने तुरंत बोला कि ये लो पैसे और मुझे इमीडिएटली ज्वाइन करा दो, ऐसे लोग मिलेंगे आपको 0.01%, तो आपका बिजनेस कितना होगा? कुछ भी नहीं। मैंने 800,000 के आसपास का नेटवर्क बनाया, 800,000 के नेटवर्क में मुझे मेरे ख्याल से 799,900 लोग तो ऐसे मिले होंगे ना जिनने बोला यार नहीं यार, ये नहीं यार, अभी नहीं यार, कुछ दिन रुक जा यार, सोचने दे यार, नहीं नहीं यार, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। 99.9% तो यही बोला और ज्वाइन कर लिया बाद में। कुछ ही ऐसे थे जिन्होंने बोला ठीक है तू बोल रहा कर लेता हूं। तो अगर आप वो ढूंढ रहे हैं जो तुरंत यस बोलने वाले हैं, तो फिर बिजनेस में ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। ज्यादातर लोग आपको वही मिलने वाले हैं जो ना बोलने वाले हैं पहले और बाद में हां बोलने वाले हैं, तो ज्यादा बिजनेस वहीं पर है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर वो ना बोलता है तो उससे पूछिए कि कोई बात नहीं, आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, आपके डिसीजन को रेस्पेक्ट करता हूं, बस ये जानना चाहता हूं कि अगर आपने बिजनेस कर लिया तो आपका नुकसान क्या हो जाएगा, आप खो क्या देंगे अगर आप सेफ शॉप ज्वाइन कर लेते हैं तो? आप एक प्रोडक्ट खरीदेंगे उसका इस्तेमाल करेंगे, नुकसान क्या हो जाएगा? अगर आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया और आप कामयाब नहीं हुए तो आपका नुकसान क्या है? आप क्या सड़क पे आ जाएंगे, क्या आप रोड पे आ जाएंगे, क्या आप बर्बाद हो जाएंगे? नुकसान क्या है? और नुकसान शायद वो बता नहीं पाएगा, फायदे आप बहुत सारे बता पाएंगे। जब वो नुकसान नहीं बता पाएगा तो फिर उनको बताइए, अगर आपने जिसे नहीं लिया, आपने ज्वाइन नहीं किया, आपने मना कर दिया, तो मैं तो ये बिजनेस करूंगा, मैं तो इस बिजनेस में हूं, मैं तो टिका हूं, मैं तो लाखों कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा। लेकिन अगर आपने ये बिजनेस नहीं ज्वाइन किया तो आप क्या क्या लूज कर देंगे? वही बात जो प्रोस्पेक्टिव में की थी, उसके बच्चों की शादी के लिए पैसे, उसके मकान के लिए पैसे, गाड़ी खरीदने के लिए पैसे, रिटायरमेंट के लिए पैसे, फॉरेन ट्रिप जाने के लिए पैसे, बड़े सारी जो जिसकी जरूरतें थी वो कैसे पूरी होंगी? अगर आप शेयर शॉप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन जो आपके सपने हैं वो कैसे पूरे होंगे उसके ऊपर बात कीजिए। दोबारा से उसकी प्रोस्पेक्टिंग वाली बातें दोहराइए, मैंने आपको बताया प्रोस्पेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से क्लोजिंग होगी, उसी से सेल आएगी। तो पहले बताइए कि अगर आप ज्वाइन करते हैं और कामयाब नहीं होते तो नुकसान क्या है, अगर नुकसान नहीं तो ज्वाइन कर लीजिए, मिलकर काम करते हैं, हो सकता चल जाए, दोनों मिलकर कोशिश करेंगे, हम मैं हूं ना, मिलकर काम करेंगे।
और अगर नहीं करोगे तो जो आपकी जरूरतें हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपके सपने हैं, वो कैसे होंगे पूरे, वो पूछिए उससे। नंबर 13, मीटिंग बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। कोई भी मीटिंग हो, फॉलोअप स्पेशली, वो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल होनी चाहिए। इधर उधर की बातें ना कीजिए। जब भी आप फॉलोअप में जा रहे हो तो इधर उधर की बातों पर चर्चा करके अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। टू द पॉइंट बात कीजिए, जल्दी से जल्दी मुद्दे पे आइए। इधर उधर की थोड़ी हाल करने के बाद, हालचाल पूछने के बाद आपने मुद्दे पे तो आना है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा देना है। डोंट बीट अराउंड द बुश, जल्दी से जल्दी मुद्दे पे आइए। हाय हेलो कीजिए, नमस्ते, दुआ सलाम कीजिए, बैठिए, पानी पीजिए, उसके बाद मुद्दे पे आ जाइए। इधर उधर की बातें ज्यादा मत कीजिए। जब भी फॉलोअप करने जा रहे हो या प्लान शो कर रहे हो, पॉलिटिक्स पे, क्रिकेट पे, और कोई फेवरेट टॉपिक और है आपका या प्रोस्पेक्ट का, उस पे मुद्दे पे कभी भी चर्चा मत कीजिए। अगर आप प्लान शो कर रहे हैं तो भी, प्रोस्पेक्टिंग करने गए तो भी, अगर आप फॉलोअप करने गए तो भी, किसी भी मीटिंग पे पॉलिटिक्स, क्रिकेट और कुछ और फेवरेट टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर कभी भी चर्चा मत कीजिए। क्योंकि इनके ऊपर अगर चर्चा शुरू हो गई तो काम की बातें नहीं होगी, बहस हो जाएगी, और बहस करने से सेल नहीं आती है, अनबन स्टार्ट हो जाएगी, एक दूसरे के साथ टकराव स्टार्ट हो जाएगा, सेल नहीं आएगी। तो अननेसेसरी बातें मत कीजिए। फॉलोअप की मीटिंग 30 से 35 मिनट या 40 मिनट की होनी चाहिए। उससे ज्यादा लंबा फॉलोअप करेंगे तो आपका प्रोस्पेक्ट सोचेगा, यार क्या इस बिजनेस में काम करने के लिए इतना टाइम मुझे भी देना पड़ेगा किसी घर जाके। हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट ये सोच रहा हो कि जैसे ये मेरे साथ आगे बैठा हुआ इतनी देर के लिए, तो क्या मुझे भी यही करना पड़ेगा, मुझे भी इतना टाइम लगाना पड़ेगा। क्योंकि आपने मैक्सिमम टाइम लगा दिया बेकार की बातों में, काम की बातों में इतना टाइम नहीं लगता। काम की बातें करेंगे तो 30-35 मिनट, 40 मिनट में फॉलोअप की सारी बातें हो जाएंगी, ज्वाइनिंग की सारी फॉर्मेलिटी हो जाएंगी। इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो मतलब आपने इधर उधर की बातें, वेस्ट बातों में टाइम बर्बाद कर दिया है, वो मत कीजिए कभी भी। नंबर 14, फॉलोअप कीजिए टीम के साथ में। हम बताते हैं ना, ये टीम बिजनेस है, तो जब भी आप फॉलोअप करने जाएं तो किसी एक या दो अनुभवी व्यक्ति को अपने साथ में ले जाइए, किसी एक्सपीरियंस आदमी के साथ में जाइए, या किसी एक्सपीरियंस आदमी को स्टैंड बाई रखिए, फोन पे या व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल पे या जूम पे, किसी सीनियर से बात करके रखिए कि मैं फॉलोअप करने जा रहा हूं। आपका सीनियर आपके साथ में नहीं है, कहीं दूर रहता है, तो उससे बात करके रखिए कि सर मैं फॉलोअप करने जा रहा हूं, अगर मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे बात करवाऊंगा, मैं आपको वीडियो कॉल में ले लूंगा। तो आपका जो सीनियर है वो तैयार रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि बनियान पहन के बैठा हो, वो सो रहा हो और आप अचानक उसको वीडियो कॉल कर दें, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, तो हमेशा एक या दो ऐसा व्यक्ति जिसको बिजनेस का एक्सपीरियंस है, उनको अपने साथ में रखिए। जब हम बोलते हैं ये टीम बिजनेस है, तो टीम दिखनी हुई तो चाहिए उसको। जब आप अगर अकेले फॉलोअप करने जा रहे हैं तो टीम का नजर आ रही है, लेकिन आप अपने अपलाइन को साथ में लेके जा रहे हैं, सीनियर को साथ में लेके जा रहे हैं, तो दिख रहा है ना कि अपलाइन भी सपोर्ट करने के लिए रेडी है, हम एक टीम बनने वाले हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ ज्वाइन करने वाला जिसका सीनियर भी मुझे हेल्प करने वाला है, एक नॉलेजेबल आदमी, एक एक्सपीरियंस आदमी मुझे सपोर्ट करने वाला है। जब वो ये देखता है तो उसका हौसला बढ़ जाता है, वो अच्छे डिसीजन लेता है। एबीसी बड़ा इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। एबीसी आप जानते हैं, ए मतलब सीनियर या आपका मेंटर, बी मतलब फ्रेशर, आप नए एसोसिएट, और सी मतलब प्रोस्पेक्ट। जहां पर तीनों मिलेंगे, प्लान शो करने के टाइम पे, प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे, क्लोजिंग के टाइम पे, फॉलोअप के टाइम पे, जब तीनों एक साथ में होंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगर आप अकेले अकेले होंगे, एक फ्रेशर अपने गेस्ट को प्लान दिखाता रहेगा तो बीसी होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने इंट्रोड्यूसर को साथ में नहीं ले जाते, नए एसोसिएट को साथ में नहीं ले जाते, जिसका गेस्ट है उसको साथ में नहीं ले जाते। हमारा एसोसिएट बोलता है, सर आपकी बात हो तो गई थी, आप चले जाइए, मैं फोन कर लेता हूं, वो आपसे मिल लेगा। तो ऐसे में सिस्टम कौन सा बना? आपका सीनियर मतलब ए, और गेस्ट मतलब आपका प्रोस्पेक्ट मतलब सी, तो सिस्टम हो गया ए सी, जबकि होना चाहिए ए बी सी। रिजल्ट आएंगे अच्छे जब आप भी होंगे, आपका सीनियर भी होगा और आपका प्रोस्पेक्ट, एक साथ में बैठकर डिस्कशन करेंगे तो रिजल्ट आएगा। इसलिए टीम में होना चाहिए। लास्टली एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, अगर उसके बावजूद भी आपका गेस्ट टस से मस नहीं हो रहा, आपने 3-4 फॉलोअप कर लिया लेकिन वो ज्वाइन करना नहीं चाहता, उसने कसम खा ली है कि अभी नहीं ज्वाइन करूंगा, तो भी आप अपने रिलेशन खराब मत कीजिए। वहां पर ऐसा नहीं है कि यार 4-5 चले तो नखरे इतने ज्यादा हो गए, तो पता नहीं क्या बड़ा आदमी बन गया है, तू तो ढंग से बात ही नहीं करता, और ठीक है आज के बाद मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, ऐसा मत कीजिए। अपने रिलेशंस को संभाल के रखिए, रिलेशंस को भी कभी भी खराब मत होने दीजिए, और कम्युनिकेशन ओपन रखिए। बोलिए कोई बात नहीं, आपको नहीं बिजनेस पसंद आया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मिलेंगे, हो सकता है मैं अभी समझा नहीं पाया या अभी आप समझ नहीं पाए, कोई दिक्कत रही है, कोई बात नहीं, हम फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। आपको नहीं इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं, हम बिजनेस की बात नहीं करेंगे, कम से कम मुलाकात तो करते रहेंगे, हम दोस्त तो बन के रह सकते हैं, हमारी जो रिलेशन है वो तो रहना चाहिए ना। इस बिजनेस की वजह से ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे से बात करना बंद कर दें,
तो कोई बात नहीं, जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम बिजनेस की बात नहीं करेंगे, हम अपनी दोस्ती वैसे रखेंगे, अपनी रिश्तेदारी वैसे रखेंगे, अपनी जान पहचान जो है वो अलग है, बिजनेस अलग है। ये बोलिए जरूर, क्योंकि अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो आपका प्रोस्पेक्ट जब भी आप उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे वो समझेगा कि आप फिर से उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उसको हम बोलते हैं रॉयल एग्जिट। रॉयल एग्जिट बड़ा जरूरी है। इस चीज का ध्यान रखिए, अगर उसने अभी मना किया है इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए मना है, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले बताया नो मतलब नॉट नाउ, नो मतलब आई एम नॉट फुल्ली कन्विंस्ड, मुझे टाइम चाहिए थोड़ा सा। इसलिए कम्युनिकेशन ओपन रखिए, एक दूसरे से मिलते रहिए, बात करते रहिए, हाय हेलो बोलते रहिए, दिवाली पे बात कीजिए, न्यू ईयर पे बात कीजिए, क्रिसमस पे बात कीजिए, उसके बर्थडे पे बात कीजिए, एनिवर्सरी पे बात कीजिए, होली पे बात कीजिए, जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू बात कीजिए, कभी कभी आते जाते मिल लीजिए, चाय पीजिए, बिजनेस की बातें मत कीजिए। और ये उसको पहले बोल दीजिए, उससे वो झिझकेगा नहीं आपसे मिलने से, बात करने से। तो रॉयल एग्जिट करना जरूरी है। और जब कोई नो बोलता है तो इसका मतलब ये भी है कि आपने मायूस होकर घर पे नहीं बैठ जाना है, आपकी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। आप सैकड़ों लोगों को जानते हैं जो इसके आधार आपने लिस्ट बनाई है या नहीं बनाई, लेकिन आपके फोन में सैकड़ों कॉन्टेक्ट्स हैं। अगर एक आदमी ने ज्वाइन नहीं किया तो दूसरा कोई ज्वाइन करेगा, तीसरा कोई ज्वाइन करेगा, चौथा कोई ज्वाइन करेगा, कोई ना कोई तो जरूर ज्वाइन करेगा। इसलिए मायूस होकर घर में बैठिए, नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट के पास जाइए, उसको प्लान दिखाइए, उसका फॉलोअप कीजिए और ज्वाइन कराइए। लास्टली एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली एक बात बोल के आज की इस ट्रेनिंग को मैं खत्म करना चाहूंगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं, किसी ने बहुत खूब कहा है कि ठहरा हुआ इंसान और रुका हुआ पानी अक्सर सड़ जाता है। अगर पानी एक जगह ठहरा रहे और इंसान भी एक जगह रुका रहे तो सड़ जाता है। ठहरा हुआ इंसान, रुका हुआ पानी अक्सर सड़ जाता है। इसलिए कदम भले ही आप छोटे छोटे उठाएं, लेकिन कदम हमेशा आगे बढ़ते रहने चाहिए। भले ही छोटी सेल्स आए लेकिन आनी चाहिए, भले ही कम प्लान दिखा पा रहे हैं लेकिन दिखाने चाहिए, भले ही कम फॉलोअप कर पा रहे हैं लेकिन फॉलोअप कीजिए। हर रोज कुछ ना कुछ काम जरूर कीजिए, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, अपलाइन से बात कीजिए, डाउनलाइन से बात कीजिए, कोई ट्रेनिंग वीडियो देखिए, किसी का फॉलोअप कीजिए, किसी का प्लान दिखाइए। आपका नहीं है तो आपके अपलाइन के साथ में चले जाइए एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन एक जगह रुकिए मत, क्योंकि ठहरा हुआ इंसान, रुका हुआ पानी हमेशा सर जाता है। इसलिए हमेशा भले ही छोटे कदम उठाए लेकिन कदम आगे बढ़ते रहने चाहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड आइवेंट, नेक्स्ट वीक मिलेंगे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सर।